हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम देखेंगे डीसी पावर कैसे बनाना है। अभी डीसी पावर क्या है, इसका क्या यूजेस है, पहले हम ये जान लेते हैं। डीसी पावर हमें एक ऐसा पावर है जो हमारे नॉर्मल बैटरी के जितने वोल्ट चाहिए। जैसे बैटरी मोबाइल फोन ऑन होने के लिए बैटरी में 3.7 वोल्ट चाहिए होता है। 3.7 वोल्ट पे हमारी मोबाइल फोन ऑन होती है। कभी कभी क्या होता है, रिपेयरिंग के टाइम पे हमें ऐसे बैटरी मिलती है जो चार्ज नहीं होती, या बैटरी खराब होती है, या बैटरी में मोबाइल फोन में बैटरी ही नहीं होती। उस कंडीशन में हमें डीसी पावर से मोबाइल फोन को ऑन करना होता है पावर लेके। तो आज के इस टॉपिक में हम एक ऐसा नॉर्मल बैटरी लेके डीसी पावर जैसा एक पावर डीसी पावर बनाएंगे। इसकी मदद से हम कोई भी मोबाइल फोन, चाहे वो कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन हो, उसे हम चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे एक मोबाइल फोन देख रहे हैं, यहाँ पे इस मोबाइल फोन में बैटरी नहीं है। अभी मुझे ये चेक करना है कि ये मोबाइल फोन बैटरी की वजह से बंद है या मदरबोर्ड में फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमें शॉर्टिंग चेक करेंगे, ये बोर्ड में शॉर्ट नहीं है, इसलिए मुझे बैटरी लगा के चेक करना है। अभी मेरे पास ये मोबाइल फोन का बैटरी नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं डीसी पावर से अपना मोबाइल फोन चेक कर सकता हूँ। अभी ये डीसी पावर कैसे बनाना है इसके लिए हम देखेंगे। इसके लिए हम एक नॉर्मल बैटरी लेंगे जो मोबाइल फोन की ही बैटरी है, और एक वायर से इसे हम कनेक्ट कर देंगे। उसकी मदद से हम जो भी कनेक्शन होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन होता है, उसमें कनेक्ट करके हम कोई भी मोबाइल फोन को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे डीसी पावर बनाया जाता है। हमें पहले सबसे पहले एक बैटरी चाहिए। हमने एक बैटरी लिया है, ये मेरे पास एक 3.7 वोल्ट की बैटरी है। मेरे पास सोल्डरिंग वायर है, सोल्डरिंग वायर यूज करेंगे, फ्लक्स यूज करेंगे, ये मेरे पास फ्लक्स है, फ्लक्स यूज करेंगे। उसके बाद हमें लगेगा सोल्डरिंग आयरन, ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, इसे हम सोल्डरिंग स्टेशन बोलते हैं। ये सोल्डरिंग आयरन का हम यूज करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए झटका मशीन, इसे हम बैटरी बूस्टर भी कहते हैं। एक सीजर। तो चलिए हमें देखते हैं हम कैसे मोबाइल फोन के लिए एक डीसी पावर इजी तरीके से बना सकते हैं। अभी मेरे पास एक केबल पड़ा हुआ है जो डीसी पावर का होता है। अभी मेरे पास एक केबल है, केबल पे यहां पे हमने देखा है कि दो पिन वाला कनेक्टर है। इसमें सबसे पहले मैं ये कनेक्टर को कट कर दूंगा। दूसरा एक और कनेक्टर है, इसे भी मुझे कट करना होगा। अब ये मेरे पास दो पिन आ गई है, आप देख सकते हैं पिन कैसे दिखाई दे रही है। अभी इसमें एक रेड प्रोब है, दूसरा ब्लैक प्रोब। अभी हमने इसे रेड प्रोब को हम पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे और ब्लैक प्रोब को हम नेगेटिव पे हमें कनेक्ट करना है। ये मेरे पास एक बैटरी है जो नॉर्मल बैटरी है 3.7 वोल्ट की, इसमें रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब को हमें कनेक्ट करना है। रेड प्रोब को हम पॉजिटिव पे, ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। हम रेड प्रोब को हमें बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन के कनेक्ट करना है। इससे पहले चलो हम कनेक्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमें फ्लक्स यूज करना है। फ्लक्स को हम अच्छी तरह बैटरी पे लगा देंगे। इसमें टोटल 3 पिन दी हुई है, आप याद रखें हमेशा कि
कि इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही यूज करना है, बीएसएपी हम को यूज नहीं करना है। सबसे पहले आप फ्लक्स अच्छी तरह हर जगह लगा दें, तो ये हमारा पॉइंट कनेक्ट हो चुका है। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, मीटर को हमने 00 वोल्ट पे कनेक्ट किया है। अब ये बराबर वर्क कर रहा है, इसके लिए हमें टेप यूज करना होगा। आप पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को दोनों अलग अलग कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने एक टेप डाला है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वायर को अलग अलग कर लिया है। अभी ये हमारी डीसी पावर बैटरी तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हैं। इस पे मैंने रेड प्रोब को पॉजिटिव पे कनेक्ट किया है, ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पे कनेक्ट किया है और उसके ऊपर बस मैंने टेप डाल दिया है। ये हमारी नॉर्मल बैटरी ही है मोबाइल फोन की, इसके थ्रू अब हम कोई भी मोबाइल फोन इजिली तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे जो बैटरी डिस्चार्ज हो उसे अगर हमें चेक करना है कि ये मोबाइल फोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बैटरी का फॉल्ट है या नहीं है, उस कंडीशन में हमें ये डीसी पावर हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है। पहले आपको मीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर देना है, इस टाइम पे मीटर पे 00 वोल्ट आ रहा। हम ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया मैंने, ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पे, रेड प्रोब को पॉजिटिव पे। आप देख सकते हैं मीटर में रीडिंग्स दिखाई दे रही है, ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं मीटर में रीडिंग्स कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 4 पॉइंट ऑलमोस्ट हमारी बैटरी चार्ज है, 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट बैटरी हमारी चार्ज है, ये वही बैटरी है जो हमने सोल्डर किया है। अभी इसके थ्रू अब हम मोबाइल फोन भी चेक कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल फोन चेक करके देखेंगे। ये मेरे पास एक माइक्रोमैक्स की मोबाइल फोन है, इसमें आप हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से देख के चेक कर लें। इसमें फर्स्ट पिन पॉजिटिव है और सेकंड पिन नेगेटिव, तो आप हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जरूर ध्यान दें, नहीं तो हमारी बैटरी मोबाइल फोन की बैटरी शॉर्ट भी हो सकती है। आप देख रहे हैं ये मोबाइल फोन ऑन हो चुका है, इस पर हमने बैटरी से ये हमने कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं इस तरह हम कोई भी फोन इजीली तरीके से चेक कर सकते हैं इस डीसी पावर के थ्रू। अगर ये डीसी पावर हमारी डिस्चार्ज हो जाती है यानी इसका बैटरी लो हो जाता है, तो इसे हमें बैटरी बूस्टर से चार्ज करना है। ये मेरे पास बैटरी बूस्टर है, इसमें रोटर दिया हुआ है, रोटर को हम 5 वोल्ट या 6 वोल्ट पे रख के इजिली तरीके से चार्ज कर सकते हैं। जिस टाइम में हमें ये बैटरी चार्ज करेंगे तो यहाँ पे एक रेड लाइट दिया हुआ है, वो डीम हो जाएगा। अगर लाइट डीम होती है तो इसका मतलब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। तो अगर ये डीसी पावर बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है यानी इसका बैटरी लो हो जाता है, तो इसे हम बैटरी बूस्टर या झटका मशीन से इजिली तरीके से चार्ज कर सकते हैं।